हेलो चौ, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश का सिलेबस। और सिलेबस देखो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, क्योंकि सिलेबस से आपको क्लियर रहता है कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, या क्या क्या टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो सिलेबस देखते हैं, फिर आप सिलेबस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लीजिएगा अगर आपको सच में अच्छे मार्क्स चाहिए 9, ठीक है। प्लस अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आपके हाफ ईयरली ईयरली एग्जाम के लिए, तो वो भी आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में। तो पूरी प्रोसेस समझेंगे तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। करते हैं पहले सीधा सिलेबस को स्टार्ट, देखते हैं फिर उसके बाद बाकी प्रोसेस भी देखेंगे कैसे डाउनलोड करना है और कैसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ले सकते हैं। तो क्लास आपका 9th, टोटल 100 नंबर का पेपर रहता है जिसमें आपका 80 नंबर का थ्योरी रिटन एग्जाम होगा, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट के रूप में आपको मिलते हैं। थ्योरी का पेपर जो रहेगा 80 मार्क्स का रहेगा, 80 नंबर आपको मिलेंगे, 3 घंटे का समय रहेगा। टोटल 3 सेक्शन में आपके पेपर को बांटा गया है। सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स, ये 20 नंबर के आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। बी है जिसमें आपका राइटिंग स्किल और ग्रामर सेक्शन रहेगा 20 नंबर का। सेक्शन सी जो है उसमें लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, ठीक है, 40 मार्क्स का ये रहने वाला है, ठीक है। तो अब ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो भी हम पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसे सेक्शन ए आपने देख लिया रीडिंग स्किल, ये 20 नंबर का रहेगा। इसके अंदर आपको टोटल 2 पैराग्राफ देखने को मिलेंगे और उन्हीं पैराग्राफ से संबंधित आपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और ईच पैराग्राफ कितने रहेगा 10 मार्क्स का रहने वाला है। 2 पैराग्राफ 10-10 नंबर के रहेंगे। डिस्कर्सिव पैसेज रहेगा, 400-450 शब्द रहेंगे। और इसके लिए ये क्या थोड़ा सा आपके लिए इजी रहता है कि यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर ही आपको इन्हीं पैराग्राफ में मिल जाते हैं, तो आपको कोई अलग से इसको याद करने की जरूरत नहीं रहती। तो ये 20 नंबर आप बहुत इजीली ले सकते हैं आप इंग्लिश के पेपर में। ऐसे सेकंड वाला पेपर है उसमें भी केस बेस्ड फैक्चुअल पेसेज रहेगा 200 से 250 शब्दों में, ये भी आपके लगभग 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप वेरी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इसमें चलते हैं सेक्शन बी जो कि राइटिंग स्किल और ग्रामर सेक्शन रहेगा। राइटिंग स्किल के अंदर आपका लेटर राइटिंग हो गया, एसे हो गया, तो ये 20 नंबर का पूछा जाता है जिसमें आपका राइटिंग स्किल के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो ये 10 मार्क्स हैं राइटिंग स्किल के, 10 मार्क्स हैं, ये भी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। पहला जो रहेगा 5 नंबर का, इसके अंदर आपको क्या क्या फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है आपको एक पैराग्राफ बनाना है जिसकी जो वर्ड लिमिट रहेगी वो रहेगी 100 से 120 शब्द के अंदर, यानी एक आपको पैराग्राफ बनाना है 100 से 120 शब्दों के अंदर जो कि 5 नंबर आपको दे करके जाने वाला है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी आप देखेंगे सेक्शन बी से लेकर सेक्शन ए तो हम नहीं देते हैं क्योंकि वो हर बार न्यू ही पैसेज आता है। सेक्शन बी से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, इसमें आपको एक स्टोरी लिखनी होगी या फिर डायरी एंट्री करनी होगी, ठीक है, और ये भी आपको 100 से 120 शब्दों में लिखने हैं और टोटल 5 नंबर का ये रहेगा। टोटल 2 रहेंगे, 2 में से किसी एक पर आपने पूरा डिटेल लिखना है, यहाँ पर आपको टॉपिक दिए जाएंगे। चलते हैं ग्रामर सेक्शन में, ग्रामर सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये भी ग्रामर सेक्शन भी आपका 10 नंबर का है। तो फर्स्ट रहेगा इसके अंदर डिटरमाइनर्स, टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट, ठीक है, जिसके अंदर वर्ब कॉन्कॉर्ड रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच रहेगा, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स और क्वेश्चन, तो ये टोटल आपको 10 नंबर देकर के जाने वाले हैं, ठीक है। जिसके अंदर आपका फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, द कोर्सेज एट द सेकेंडरी लेवल सीक टू सीमेंट हाई प्रोफेशनल ग्रैप ऑफ ग्रामेटिकली आइटम्स एंड लेवल्स ऑफ एक्यूरेसी। तो ये आपको मतलब आप ये अगर ग्रामर सेक्शन जो टॉपिक्स दे रखे हैं इसको पढ़ लेते हो तो ये 10 नंबर आपको इजिली मिल जाएंगे। चलते हैं सेक्शन सी लैंग्वेज थ्रो अ लिटरेचर, यानी जो अब आपकी बुक है, ठीक है, बुक को भी डिवाइड किया गया है, तो 40 मार्क्स का रहेगा फर्स्ट और सेकेंड बुक मिला करके टोटल। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आएगा यहाँ पे आपको एक एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा, ठीक है, किसका, प्रोज का, ठीक है, यानी जो आपकी स्टोरी है उसमें से ही कुछ हिस्सा आपको दे देंगे काट करके और उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये भी अगर आपको चैप्टर अच्छे से पता है, चैप्टर समझ चुके हैं, आप अच्छे से याद कर चुके हैं, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो आपको कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि यहाँ तो पैराग्राफ मिलेगा तो इसी में से हम आंसर छाप देंगे, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के आंसर पहले से याद होने चाहिए। ऐसे सेम आपको एक पोयम का हिस्सा दे देंगे और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल 5-5 नंबर के ये प्रश्न रहेंगे, तो 10 नंबर ये आपके यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 से मिल जाएंगे। फिर है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। अब 4 out of 5, 5 में से आपको 4 के उत्तर देने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप रहेंगे जो कि आपको 40 से 50 शब्दों में उत्तर देना होगा, ठीक है, और ये आपकी बुक से पूछे जाएंगे, जो आपकी बिहाई बुक है उसके अंदर से आपके पूछे जाएंगे। तो टोटल 4 के उत्तर देने हैं और 3-3 नंबर के ये प्रश्न रहेंगे, तो 4-3 12 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे।
फिर है क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये जो आपकी सेकंड बुक है मूवमेंट, ठीक है, इसमें भी आपको 3 में से 2 शब्दों को उत्तर देना है शॉर्ट में, और 40 से 50 शब्दों में उत्तर देना है। और यहाँ पे आपके ये 2 प्रश्न रहेंगे, 3-3 नंबर के, 6 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके एग्जाम में बच्चों पूछा जाएगा वो रहेगा, 2 में से कोई एक का उत्तर देना है, और वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, और आपकी बिहाइव जो बुक है उसमें से ये प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो आपने आंसर देना है 100 से 120 शब्दों के अंदर अंदर ही इसको रखना है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 जो है, और जो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, ये 6 नंबर का रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर भी आपको 2 में से कोई एक का उत्तर देना है, और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, और ये आपकी बुक जो सेकंड है मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट से पूछा जाएगा, और 6 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। तो टोटल 80 नंबर का ये पेपर आपने देखा, प्लस 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के रूप में आपको मिल जाते हैं। अब आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं पहले हम वो देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल देखेंगे। जैसे आपने यहाँ पर देख लिया क्लास 9th एंड 10th का इंटरनल असेसमेंट, तो असेसमेंट समझ लेते हैं। तो असेसमेंट के अंदर आपका लिसनिंग स्किल जो रहेगा 4 मार्क्स, स्पीकिंग स्किल 4 मार्क्स, फिर प्रोजेक्ट वर्क के अंदर आपको स्क्रिप्ट प्रेजेंटेशन और इसके अंदर आ जाएगा ओरिजिनलिटी 4 मार्क्स, वाइवा बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट 3 मार्क्स का रहेगा, कंटिन्यूस असेसमेंट जो आपके मंथली टेस्ट हो रहे हैं वही मार्क्स आपके इधर आएंगे 5 नंबर के रूप में, ठीक है, 5 में कन्वर्ट करके आपको दिए जाएंगे। ये आपका असेसमेंट हो गया, ठीक है, कंटिन्यूस असेसमेंट यूनिट टेस्ट के रूप में। तो टोटल 20 नंबर आपको यहाँ पर ये मिल जाते हैं। अब आपको चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं, तो क्लास 9th में अगर हम बात करें, जो आपकी फर्स्ट बुक है बिहाइव, इसके अंदर आपको पढ़ना है द फंदे हेड, द रोड नॉट टेकन, और उसके फिर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसके अंदर आपका एवलिन ग्लेनिन पढ़ना है, बिस्मिल्ला खान, ये 2 पढ़ने हैं, और इसके अलावा विंड जो है, ठीक है। फिर है द लिटिल गर्ल, रेन ऑफ द रूफ, द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द लेक इसलिए ऑफ एनी स्प्रे, द स्नेक एंड द मिरर, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो ये चैप्टर आपको यहाँ पर पूरे डिटेल में दिए गए हैं, ठीक है, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। ऐसी आपकी जो सेकंड बुक है मूवमेंट्स या सप्लीमेंट्री रीडर, इसके अंदर आपको टोटल 9 चैप्टर पढ़ने हैं, वो भी आपको पूरे यहाँ पर डिटेल में दिए गए हैं। तो बात कर लेते हैं कि आप ये सिलेबस कहाँ से ले सकते हैं, कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको सिंपल से फॉलो करने हैं। गूगल पर सर्च करना है कंपोजर, ठीक है, जहाँ पे आप इंटरनेट यूज करते हैं सर्च कर लेना आपने कंपोजर, आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट पर सिंपली क्लिक करते ही आप हमारे होम पेज पर आ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, सिलेबस मिल जाएगा। जैसे आप सिलेबस पर क्लिक करते हैं आपके सामने क्लास चूज का ऑप्शन आ जाएगा, 9th सिलेक्ट करना है यहाँ से। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से इंग्लिश पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश का सिलेबस पूरा ओपन हो जाएगा, क्लियर है। अब बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिन बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए अच्छा स्कोर करना है, तो सिंपली टॉप 30 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नीचे ऑप्शन आपको मिल रहा है, देखो टॉप 30 क्वेश्चन, जस्ट जैसे आप सिलेबस वाली लाइन में जाएंगे नीचे आपको दिखेगा टॉप 30 क्वेश्चन का ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है क्लास 9th, और यहाँ पे हम आपको बता दें कि अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं। आपको कुछ यहाँ पर आपने पहले वेबसाइट पर जाकर के चेक कर लेना है कौन सी पीडीएफ आपके कितने रुपए की आपको शो हो रही है, ठीक है, तो आपने हमको बता देना है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर भी कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं पीडीएफ आपकी किस तरह से आपको लेनी है। तो क्लास 9th पर हमने क्लिक किया, 9th पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने सब्जेक्ट आ गए हैं, तो इंग्लिश पर हमने अंग्रेजी पर क्लिक हेयर कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पर दोनों टॉपिक मिल जाएंगे, राइटिंग और टेक्स्ट बुक, ठीक है। इसके अंदर हमने सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं, 2 ही पीडीएफ आपको देखने को मिलेंगे, तो इनकी कॉस्ट बहुत कम है, मात्र 30 + 20 ₹50 रुपये में आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं अपने इंग्लिश के, जिसके अंदर देखो आपके टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे एक पीडीएफ में, और एक पीडीएफ में आपका इंग्लिश राइटिंग, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जो अनसीन पैसेज आते हैं वो हर साल चेंज होकर के आते हैं, तो वो तो आपको एग्जाम में ही उनके आंसर मिल जाते हैं, बट बाकी जो टॉपिक्स हैं वो सारे हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट इनको ऐड टू कार्ट करके परचेज कर सकते हैं, पेमेंट होते ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, अदरवाइज आप हमको व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके भी पीडीएफ ले सकते हैं। आपने अपनी क्लास बतानी है और सब्जेक्ट बताना है और कौन सी पीडीएफ लेनी है वो भी आप बताएंगे, हम आपको क्यूआर कोड दे देंगे, उस क्यूआर कोड पर पेमेंट होते ही आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपके मन में होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा, और बेस्ट विशेस, अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।